ओके नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देर आर डैश हवर्स इन अ डे. कितने हवर्स होते हैं? 24 हवर्स होते हैं, राइट. मैंने अभी बताया था एक डे में कितने हवर्स होते हैं, 24 हवर्स होते हैं, राइट. अ लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड हैज डैश हैंड. लॉन्ग हैंड किसको डिनोट करते हैं? मिनट को, राइट. मैंने आपको इसमें ब्लैक बोर्ड में बताया था लॉन्ग हैंड किसको डिनोट करते हैं, मिनट हैंड, मिनट बताता है, राइट. तो क्या होगा, इज कॉल्ड एज मिनट हैंड. द शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड हवर हैंड. शॉर्ट हैंड मीन्स वो छोटा छोटा हैंड किसको बताता है, क्लॉक का ये छोटा हैंड, राइट, हवर को बताता है, राइट. मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पर बताया था लॉन्ग हैंड किसको डिनोट करता है, मिनट्स को, और शॉर्ट हैंड किसको डिनोट करता है, हवर्स को. ओके, अ लॉन्ग हैंड कंप्लीट वन राउंड ऑफ द क्लॉक इन डैश डैश. यानी एक वन द लॉन्ग हैंड मीन्स मिनट का जो हैंड है, मिनट का जो हैंड है वो क्या है, मिनट को जो डिनोट करने वाला हैंड है वो एक राउंड कब कंप्लीट करता है. मैंने आपको बताया था एक हवर करने के लिए वो क्या करता है, पूरा राउंड घूमता है, राइट, है ना. पूरा राउंड घूमता है तो वो दूसरे हवर पे आता है, राइट. अभी टू पे है तो वो पूरा राउंड होगा, 12 पे आएगा तो वो क्या होगा, 3 पे हो जाएगा. ऐसे एक हवर लेता है वो पूरा कंप्लीट करने के लिए राउंड. ओके ओके समझ में आया. लास्ट वाला, वन अ लॉन्ग हैंड कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ क्लॉक इन वन हवर. एक हवर में वो लॉन्ग हैंड यानी मिनट का हैंड पूरा कंप्लीट घूम लेता है, मीन्स कंप्लीट वन राउंड. यानी एक हवर में वो क्या करता है, पूरा राउंड घूमता है, मीन्स 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वापस आ जाता है. समझ में आया सबको. ओके नाउ नेक्स्ट इज क्वार्टर पास्ट द हवर. मीन्स क्या होता है क्वार्टर पास्ट द हवर? A minute hand is no longer on 12, right? Abhi minute hand ka kya kiya hai? 2 o'clock hone ke liye minute hand kaha pe hota tha? 12 pe, right? Abhi wo 12 pe nahi, abhi kis pe hai? 3 pe, right? To kya hai? It is on 3. To iska matlab kya hai ye? It means quarter past. Means wo abhi 12 pe nahi, wo abhi kis pe hai? 3 pe, right? To wo kya hoga? Quarter past hai. To iska matlab kya hoga? Jab bhi wo 3 pe hai, to kya hoga? 15 hai uska minute.
स्टूडेंट्स, नाउ हाफ पास द हवर, एंड इसका मतलब क्या होता है? हाफ पास द हवर मींस जब भी मिनट का हैंड किस पे होगा, सिक्स पे होगा, तो हम क्या बोलते हैं? दिस मींस हाफ एन आवर. ओके, हाफ एन आवर हैज पास्ड. ओके, हाफ हाफ एन आवर क्या हो गया? पास्ड हो गया. अब हमारे पास हाफ आवर और ही है, समझ में आया? तो क्या हुआ, देखो, जब भी सिक्स पे मिनट का हैंड सिक्स पे होगा, इसका मतलब क्या है? हाफ पास्ड हो गया, मींस हाफ एन आवर हमारा पास हो गया. ओके, इसका मतलब वो होता है. तो देखो, अभी हाफ पे है, मींस सिक्स पे है, जब भी मिनट सिक्स पे होता है तो क्या होगा? सिक्स फाइव ना 30. ओके, और देखो ये जो है आवर हैंड है वो क्या होगा? जब भी 30 पे आए, है ना, जब भी मिनट का हैंड सिक्स पे होगा तो क्या होगा? वन. देखो, अभी स्मॉल हैंड किस पे है? वन ना, वन एंड टू के, है ना, इसका मतलब वन एंड टू के बीच में आएगा. जब भी हमारा मिनट हैंड सिक्स पे है तो क्या होगा? आवर का हैंड जहाँ भी हो वो दोनों के बीच में आना चाहिए. अभी यहाँ वन एंड टू पे, इसका मतलब वन एंड टू के बीच में होगा आवर हैंड. ओके, पर हम होगा नहीं लेंगे. ओके, वन एंड टू के बीच में पर हम क्या लेंगे? हम तो वन ही लेंगे. ओके, समझ में आया? तो देखो, वन o'clock वन, और मिनट कितना हुआ? सिक्स पे, तो सिक्स फाइव सिक्स क्या होता है? 30. तो 1:30. ओके, समझ में आया सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू राइट अ टाइम. ओके, अभी मैंने आपको क्लॉक में आपको बता दिया टाइम, राइट? अब उसको आपको कितना हुआ टाइम आपको बताना है. ओके, देखो मैं इसको बता देती हूँ आपको. ये स्मॉल हैंड है और ये लॉन्ग हैंड है. ओके, स्मॉल हैंड किसको डिनोट करता है? हवर को. और लॉन्ग हैंड किसको डिनोट करता है? मिनट्स को, राइट? देखो, हवर किस पे है? हवर हैंड किसके बीच में है? सिक्स और सेवन के बीच में, और सिक्स के ज़्यादा पास में, राइट? ओके, तो देखो सिक्स और सेवन के बीच में है, और मिनट का हैंड किस पे है? थ्री पे, राइट? थ्री पे है तो कितना होगा? फाइव थ्री से कितना होता है? 15 होता है. तो इसका मतलब 6:15, सिंपल है, राइट? अभी देखो, यहाँ स्मॉल हैंड मींस हवर हैंड वापस 6 और 7 के बीच में, राइट? और लॉन्ग हैंड किस पे है? 9 पे है. तो कितना होगा? 6 और 7 के बीच में पर ये कि हम किसको गिनेंगे? 6 ही गिनेंगे. ओके, 6 9 पे है तो क्या होगा? मिनट के हैंड 9 पे है, मिनट के हैंड को आपको चेंज करना है. 5 9 से कितना होगा? 45. तो 6:45. ओके, सिंपल है ना? ओके चिल्ड्रंस, अब आपको क्या करना है? मैंने आपको टाइम मेंशन कर दिया है, पर आपको क्लॉक पे बताना है. आपको लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड, स्मॉल हैंड को यूज करके आपको 6:30 AM, एम तो किस करते हैं? सुबह का जो हम होते हैं वो टाइम सारे एम होते हैं, और 12 दोपहर के 12 o'clock के बाद सारे क्या होते हैं? PM होते हैं. ओके, ओके, 6:30 PM है ना? 6 यानी हम पहले हवर रखते हैं, तो हवर किसको स्मॉल से स्मॉल हैंड से डिनोट करते हैं, तो 6 है.
ओके स्टूडेंट्स, अप्रैल जून एंड नवंबर। देखो एक पॉइंट जैसे याद आ गया,
ओके इट इज़ नॉट क्लियर राइट. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ क्लियरली क्लियर करके देखो. ओके लीप ईयर होगा तो क्या होगा फेब्रुवरी में एल ई ए पी ए. ओके वहाँ पी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. ओके नाउ यू कैन सी देखो लीप ईयर में फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं और लीप ईयर नहीं हुआ तो फेब्रुवरी में कितना होगा 28 डेज होगा. मैंने शॉर्ट में लिखा है एफ ई बी आपको पूरा लिखना है. ओके ओके मैंने पूरा ही लिख दिया है. देखो लीप ईयर में फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं और लीप ईयर नहीं हुआ तो फेब्रुवरी में 28 डेज होते हैं. ओके और वन ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज. ओके एंड इफ इट इज़ अ लीप ईयर देन इट हैज़ अ 366 डेज. ओके एक वन मोर ऐड हो जाएगा. ओके ओके अब क्लियर हुआ सबको. थैंक यू फॉर लिसनिंग.